इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करन जा रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मैं एक बारी सारिया नूं ये सलाह भी दे दाँ कि तुसी इस मॉडर्न हिस्ट्री नूं जदों इत्थों स्टार्ट कर रहे हो ना, इस तों बिना असी इस मॉडर्न हिस्ट्री नूं किवें कंपाइल करना है। ये मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ी आ तुहानूं सब नूं पता होगा ये गल कि साडा जिहड़ा इतिहास आ, साडी जिहड़ी हिस्टरी आ, तीन हिस्सिआं च वंडी होई आ, एंशंट, मेडिवल ते मॉडर्न। मॉडर्न मतलब जदों अंग्रेज़ साडे देश च आउंदे आ उत्तों बाद वह किवें साडे देश दे पुराने राजिआं नूं, जिन्हां च कि सब तो मशहूर सीगे मुगल, दूजे नंबर ते मराठे, तीसरे नंबर ते बंगाल दा नवाब, चौथे नंबर ते वह साउथ इंडिया दे जिहड़े निज़ाम सी, ते पंजवें नंबर ते सिख, इन्हां सब नूं हराउंदे आ। फिर छोटे मोटे होर कई राजिआं नूं चैलेंज करदे आ, इत्थों दे गोरखिआं नूं चैलेंज करदे आ ते होर कईआं नूं। फिर वो इन्हां सारिआं तों राज खोंदे आ ते 1800-1750 तों लैके 1850 100 साल लगदे आ अंग्रेज़ां नूं इन्हां सारिआं तों इस पावर नूं खोण च। जदों ये सारी पावर खो के 1850 तों लैके 1950 तक अराउंड वो साडे देश ते राज करदे आ, तकरीबन जदों वह साडे देश च एज अ कंपनी के तौर पर आना शुरू करते हैं, व्यापार करने के बहाने नाल आते हैं, तो ये अंग्रेज़ जिहड़े आ, वैसे जो मैं अंग्रेज़ शब्द बोलदा ना तो मैं कल्ले ब्रिटिश नूं रिप्रजेंट करदा। वैसे जे कोई गल करे कि भारत च केड़ियां केड़ियां विदेशी ताकत आईयां यूरोप तों, तां पुर्तगाली भी आए आ, फ्रेंच भी आए आ, डच भी आए आ, डच मतलब डे जिहड़े डचलैंड मतलब नीदरलैंड दे, डेनमार्क दे डेन्स भी आए आ, फ्रांस दे फ्रेंच भी आए आ, ते इंग्लैंड दे ब्रिटिश भी आए आ। इन्हां सब ने पहला आपस पहला इन्हां सब ने इंडिया दे विच आउण वास्ते आपस दे विच स्ट्रगल किया, फिर इंडिया दे लोकल राजियां नाल लड़ाइयां कीतियां, इन्हां चों कामयाब होई कल्ली ब्रिटिश सेना जां ब्रिटिश ताकत ही कामयाब होई, ब्रिटिश ही सीगे जिहड़े समराज नूं बना सके, बाकी सब तहस नहस हो गए। जां कईआं ने ब्रिटिश वालिआं नाल समझौते कर ले कि तुसीं साडे तों भारत रख लो, असीं तुहाडे तों इंडोनेशिया रख लैंदे आ, एवें दे टाइप समझौते। ठीक आ कि तुसीं भारत ते कब्जा कर लो, असीं भारत वल नहीं देखदे, असीं अफ्रीका दे फलाने देश ते कब्जा कर लैंदे आ, तुसीं उधर ना देखियो, एवें दीआं सैटलमेंट्स भी हो गईआं। तो कुल मिला के अंग्रेज़ों के भारत च आउण दी, कल्ले अंग्रेज़ों के नहीं यूरोपीयंस के भारत च आउण दी जिहड़ी शुरुआत है ना, वह 17वीं सेंचुरी च हो जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि 15वीं सेंचुरी च ही हो जाती है, 16वीं सेंचुरी च ही हो जाती है, 16वीं सेंचुरी समझते हो 16th सेंचुरी, 1500 तो लैके 1599 तक, 1500 तो लैके 1599 तक 16th सेंचुरी होंदी है। इन्हां समयां च सब तो पहला पुर्तगाली आउंदे आ, 1498 च 1498 च उन्हां दा वास्को डगामा एक बार इंडिया दा समुंदर दे थ्रू राह लभदा है, उस तो बाद पुर्तगाली 1500 तो बाद इंडिया च सैटल होना शुरू करदे आ, 100 साल बाद अंग्रेज आउंदे आ, अगले 10-15 सालां बाद डच आउंदे आ, फिर 15 सालों बाद डेन्स आते हैं, तो 40 सालों बाद फ्रेंच आते हैं। एवें सब तो पहला पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेन्स, तो फिर फ्रेंच, फिर बाद इन्हों का इंडिया चो हौली हौली ये एक दूजे का बोरी बिस्तरा पैक भी कराते हैं। सब तो पहला भजन वालिया चे डच, दूजे नंबर पर भजन वालिया चो सी डेन्स, तीसरे नंबर पर वैसे तो कायदे के मुताबिक बाकी सारे भज गए, पर थोड़िया थोड़िया थावां रह गए सी ना, जिवें पुर्तगाली गोवा च बैठे रह गए, तो फ्रेंच जिहड़े सीगे ओह पुडूचेरी च बैठे रह गए, तीजे नंबर पर भारत चो भज्जे आ अंग्रेज़ 1947 च, तो चौथे नंबर पर भारत चो भज्जे आ फ्रेंच 1954 1954 च, तो लास्ट च भारत नूं छड्ड के गए आ पुर्तगाली 1961 च गोवा नूं। कहा जा सकता ना कि आने च भी पहले नंबर पर जाने च भी अखीरले नंबर पर। तो कुल मिला के स्टोरी जिहड़ी है ना उन्होंने इंडिया च आना, जाने कि 16th सेंचुरी 16वीं सेंचुरी की शुरुआत, तो इंडिया चो जाना, दिस इज़ आधुनिक भारत, यही मॉडर्न हिस्ट्री है जिन्होंने असी कंपाइल कर जा रहे हैं हुण अपने आने वाले अगले 20-25 लैक्चरस के। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली गल इनू बहुत थोरोली पढ़न वाले किवें पढ़नगे। इन्हां लैक्चरस की शुरुआत दे नाल जिन्हां कोल अपने कोर्स दे विच फुल बैच आ जां अडवांस PPSC कोर्स आ, वह अपने चैट बॉक्स च अज तकरीबन तुसीं मन के चलो किन्नी तरीक अज 27 जुलाई नूं, तुसीं इह देखियो 27 जुलाई दा थल्ले चैट बॉक्स च मैसेज होगा, एक NCERT दी क्लास 8th दीआं वीडियोज़ दा लिंक होगा 27 जुलाई 2022 दे नाम ते,
तो एक उस तो थले पी डी एफ होगी। ठीक है, वो लिंक जोड़ा होगा ना वो अठवीं क्लास के कल कल चैप्टर दीडियोज़ का है। अठवीं क्लास ही क्यों? क्योंकि एन सी आर टी छेवीं क्लास एंशंट हिस्टरी पढ़ाई है, सत्तवीं क्लास मिडीवल हिस्टरी, तो अठवीं मॉडर्न। असी मॉडर्न को बड़ी स्ट्रैटेजिकली करना है। जिन्हों ने अपनी ऐप चो मिडीवल हिस्टरी भी स्टार्ट करनी है ना, वो थले लिंक चो सत्तवीं क्लास दियाँ हिस्टरी दीडियोज़ चक्कन, थले पी डी एफ चक्कन। तुसी किवें अपने आप नू एन सी आर टी च कंपाइल करवाना है? सब तो पहला एन सी आर टी के कल्ले कल्ले चैप्टर दियाँ वीडियोज़ थले पी डी एफ, पी डी एफ मतलब एन सी आर टी की किताब जे हैगी है तो फिर पी डी एफ क्यों पढ़नी है। उस तो बाद अपनी कोर्स के जिहड़ा अपना कोर्स आ उहदे च ही स्टार्टिंग दे विच जिहड़े फोल्डर बने हुए आ, वीडियो लैक्चरस का फोल्डर आ, उस तो थले प्रैक्टिस क्वेश्चनस दा, उस तो थले एन सी आर टी का फोल्डर। एन सी आर टी के फोल्डर च जाके अठवीं क्लास जाके हिस्टरी च जाके चैप्टर वाइज क्वेश्चनस प्रैक्टिस करने आ, पहले चैप्टर दे, दूसरे दे, तीसरे दे, बिकॉज जिहड़ी हिस्टरी एन सी आर टी है ना वो हिस्टरी नू एक वक्रे डिमेंशन ते ही तुहानू पढ़न दा मौका दूगी एन सी आर टी की किताब। उस तो बाद आपां ते अपना फुल फ्लैज कोर्स करना ही करना है। सो असी शुरुआत करन जा रहे हैं, साडे लैक्चर का नाम ही तुहानू समझ आ गया, एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस, मतलब यूरोपीयंस का भारत च आगमन किवें होया। देखो एक गल क्लीयर आ, कोई भारत च आउंदा क्यों आ जां भारत वल आए क्यों अंग्रेज यूरोपीयंस, इहदे पिछे कई कारण हुंदे आ। पहली गल, कोई एक देश छड्ड के दूजे देश च क्यों जांदा है, माइग्रेशन। वैसे अमरिंदर गिल की जिहड़ी मूवी माइग्रेशन ते आ रही है, भारत च पहले पंजाबी जिहड़े कनेडा जाणगे उहनां दीआं प्रतिस्थितियां, वो कनेडा इस करके नहीं सी गए कि उस तो पहला कनेडा जाण दा कोई राह नहीं सीगा, वो कनेडा इस करके गए सीगे बिकॉज जदों कोई सौखे देश चों औखे देश वल जांदा है ना तो उहदे जाण दा कारण हुंदा कि तुहाडे अपने देश दीआं प्रतिस्थितियां उन्नियां अनुकूल नहीं गईआं। तां भारत दीआं 1900 दे अराउंड दीआं प्रतिस्थितियां जिहड़ियां सीगीआं वो इन्नियां कंफर्टेबल नहीं सी, इस करके उहनां नूं बाहर जाणा पै रिहा सी। पर अंग्रेज़ जिहड़े सीगे वो इंडिया क्यों नहीं सी आ पा रहे, बिकॉज अंग्रेज़ां दे यूरोप तो इंडिया दे तक आउण दा जिहड़ा राह सीगा वो राह च ब्लॉक सीगा, ते ब्लॉकेज खुल्लिया जाके 15वीं सेंचुरी च 1400 तो बाद। वो ब्लॉकेज कौन सी, किन्ना दा सी, की सीगा, की कहानी सीगी, वो सारा कुछ असी समझन दी कोशिश करते हैं। सब तो पहला असी एक मैप नू समझते हैं। ठीक है, आ एक शब्द लिखिया है ट्रिटी ऑफ टॉडिलस 1494, ये कहानी की है। पहला तो तुसी ये समझो, देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, जदों असी इतिहास समझते हैं ना, तुसी आज देखो जे तुसी आज दियां पंजाब दियां प्रतिस्थितियां नू समझिए ना, आपां आज दियां पंजाब दियां प्रतिस्थितियां नू, मैं इंडिया दियां स्थितियां नू लैके ना आज तो साल पहला या डेढ़ साल पहला एक मजाक करता हुंदा सी, अक्सर एक कमेंट हुंदा सीगा कि यूपी बिहार का जिहड़ा यूथ है ना, ठीक आ, उहनू बीजेपी वरगला गई धर्म के नाँ पर। ठीक है, तो पंजाब का यूथ उदो एक गल करता हुंदा सीगा कि हाँ सानू नौकरियां चाहीदियां है, बेरोजगारी आए ओए, वो बड़ी चिंता का विशा सीगा, तो असी उस चिंता के विषय से सरकार नू पलट भी दिता, बिकॉज साढ़े मसले नौकरियां दे सीगे, साढ़े मसले रोजगार दे सीगे। ठीक है, तो साढ़े इत्थे कोई एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं सीगी जिस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी ने शुरू की सी, जां ये कह लो कि सेंटर लैवल से जिहड़ी पॉलिटिक्स सीगी, जिहड़ी रेडिकल टाइप पॉलिटिक्स सीगी, पंजाब च किते नहीं सी। हुण पंजाब च कुछ तत् इहो जे एलीमेंट्स जिहड़े आ उह पंजाब च आए आ, ते तुहानू पता इह सब तो वध टारगेट किन्नू करदे आ, सब तो वध वरगलाया जांदा है यूथ। ये नहीं कि धर्म के नाँ पर बजुर्ग सब तो पहला वरगलाए जाते हैं, कदे नहीं वरगलाया जाता, बेशक बजुर्ग जिहड़े आ उह धर्म के मामले च शायद जवानों तो वध होंदे आ, मतलब कि नेड़े होंदे आ रब दे, फिर भी वह वरगलाए नहीं जाते। तो जदों वरगलाया जाता है, वरगलाए हमेशा अपना इस उस पीढ़ी नूं जाता है जिहड़ी बहुत एक्साइटेड मोड च हुंदी है। तो चिंता की गल यह आ कि वरगलाया जाता कि थ्रू आ, वरगलाया जाता है उन्होंने लोगों के थ्रू जिन्हों की फैन फॉलोइंग। इस तरीके सेंटर के पोलराइजेशन 2014 तो बाद देखने को मिली, तो चिंता ना करो पंजाब चो ही पोलराइजेशन 2022 तो बाद देखने मिल रही है। बेशक इस टाइम जी पंजाब सत्ताधारी पार्टी है, पंजाब जी रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी, उन्हों डेगण वास्ते जनू खत्म करने वास्ते असी पंजाब की पॉलिटिक्स का रंग बदल जरूर रहे हैं, इन्हों डेगो जरूर। मैं नहीं कहता कि इन्हों बचा के रखो, इन्हों सेफ साइड लो, इन्हों मगर स्टैंड लो,
इन्हां नूं कहो कि तुसीं गलत हो, पर तुहाडे गलत कहण दा मसला यह नहीं होना चाहिए कि ये धर्म की राखी नहीं कर पा रहे। सरकारां नूं असीं धर्म की राखी वास्ते शायद नहीं चुनिया हुंदा, ये बहुत जरूरी गल्लां साडे वास्ते। असीं उन्हां नूं अपने रोज़गार वास्ते चुनिया है, असीं धर्म की राखी वास्ते साडियां धार्मिक संस्था बनिया हुई हैं। हर हिंदू धर्म च जाके देखो उन्हां दियां धार्मिक संस्थान बने हुए है, सिख धर्म च जाके देखो इन्हां दियां कमेटियां, इन्हां दे अकाल तख्त साडे जिहड़े आ उह साडे धर्म की राखी करनगे। सरकारां जे साडे धर्म नूं चोट पहुंचाउणगियां तां शायद असीं उहदे ते किंतू परंतू कर सकदे हां, पर जे सरकार अपने सरकारी कम्मां च ठीक आ, एक प्रॉब्लम आ रही आ कि जदों असीं बहुत वड्डे लैवल तो पुराने पद्धर ते एक सिस्टम जिहड़ा बणिया होया सीगा, जदों एक ट्रडिशनल जिहा सिस्टम जिहड़ा बणिया हुंदा है, जदों असीं उहनूं धाराशाही करदे हां, बिकॉज उह बड़ा रफ बड़ा सुस्त हो चुक्या सिस्टम सीगा, जदों उहदे च बैठे पुराने सप्पां नूं उठावांगे आपां जिहड़े सुस्त हो चुके आ, बिल्कुल डेड स्टेज आ चुके आ, उन्हां नूं उठ कहांगे कि माड़ा जिहा उठ के काम करो, उन्हां नूं एक बार तां दिक्कत आऊगी। ठीक आ, तां आम लोकां नूं आम लोकां दी तरह सोचना चाहिए है, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਔਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਆ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਖੜ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟੋਡਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਟੀ 1494, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਬਹੁਤ ਭੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ $9 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ₹9 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ 9 ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਿਨ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਪਾਪ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਯੂਰਪ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ 1300 something ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1400 something ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਰਕ ਏਜ, ਠੀਕ ਆ, ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡਾਰਕ ਏਜ ਸੀ।
लोग सोचते ही नहीं सी जो उन्होंने आस्था के नाम से धर्म के नाते कह दिता गया जो चर्च का यार चर्च किसी का नुकसान क्यों करूगी चर्च मतलब ईसा मसीह ईसा मतलब मतलब किसी का खुदा किसी का भगवान किसी के गुरु वह किसी का नुकसान क्यों करनगे ठीक है जिन्होंने एड्डी सोहनी सृष्टि बना के भेजी है वह क्यों बंदे का नुकसान करनगे तो कुल मिला के देखने को यह मिलया कि पादरी चर्च के नाम से कैथलिक चर्च के नाम से लोगों को लुटते सी लोगों की लुट खो करते लोगों च भी जेडे बंदे को चार तर्क होंगे जेड़ा बंदा रैशनल होंदा सीगा उदी गल नू वैसे ही पादरी दबा देंदे सी क्योंकि गल बहुत दूर तक फैलती नहीं सी पर प्रेस नहीं सीगी अखबारां नहीं सी पेज नहीं सी लिखण वास्ते कुछ नहीं सी प्रिंटिंग नहीं सी 14वीं 15वीं सेंचुरी जदों प्रिंटिंग शुरू हुंदी है फिर बाइबल की व्याख्या छपदी है तो फिर लोगों नू समझ आउंदी है कि असल च जिहड़ी व्याख्या ये कर रहे हैं ना जिहड़ी व्याख्या ये कर रहे हैं वह व्याख्या गलत आ अज भी तो तुसी आप हिसाब ला के देखो कि जो किसी देश भगत नूं गद्दार साबित करना होवे तुहाडे नूं किन्नी किड्डी तुहाडे दे सामने जींदी जा रही एग्जाम्पल आ कि 2022 च एक देश भगत नूं गद्दार साबित करन वास्ते मूर्खां दी भीड़ जिहड़ी आ उह किवें इकट्ठी हो सकती है ठीक है तो वह अपने सिखां दे ही गद्दारां नूं अपने कौम के हीरे साबित करने वास्ते किड्डे टैलेंट तक जा सकते हैं ये तो सामने जींदियां जागदियां एग्जाम्पल्स पईयां ने सानू तो इस चीज़ से पता होना चाहिए कि वाकई की एजेंडा पॉलिटिक्स की एजेंडे के नाँ से सियासत तुहानू परेशान कर सकती है बिल्कुल कर सकती है खैर होया भी कुछ इदा ही कि 15वीं सेंचुरी दे विच एक जर्मन चो शख्स उठिया मार्टिन लूथर उन्हें सब तो पहली बार कहा कि मैं पाप के नाम से लगन वाला टैक्स नहीं देना मैं पाप कर नहीं चुकाऊंगा मैं पाप के नाँ से लगन वाला टैक्स बिल्कुल नहीं दे सकता तो खैर उत्थों शुरुआत होंदी है तो इनू कहिंदे आ यूरोप दे विच पुनर्जागरण का युग तर्क तो आया पहली बार पुनर्जागरण की इंग्लिश होंदी है रेनीसेंस रेनीसेंस का दौर आता है लोग सोचते हैं तर्क करते हैं पादरियां नू सवाल करते हैं जेड़े लोग इहदे खिलाफ बगावत कर देंदे आ कैथलिक चर्च के खिलाफ चर्च मतलब जो उत्थों दा कैथलिक चर्च जिहड़ी आम चर्च चलती सी जो आम धर्म चलता सी उत्थे कैथलिक जेड़े लोग इहदे खिलाफ करते आ उह पता की कहिंदे आ कहिंदे सानू ईसा मसीह ते कोई शक नहीं सानू जीसस ते कोई शक नहीं उन्हां दी कुरबानी ते कोई शक नहीं पर उन्हां दे जिहड़े ठेकेदार अगे तुरे फिरदे आ ना इन्हां ते शक आ उह अपनी नवीं चर्च बना लैंदे आ ईसा मसीह नूं ही सब कुछ मन के उह जिहड़ी नवीं चर्च बणाउंदे आ ना उहनूं कहिंदे आ प्रोटेस्टेंट चर्च तां कैथलिक चर्च दे विच्चों एक नवीं चर्च नवां धर्म निकलदा प्रोटेस्टेंट अज भी यूरोप दे विच दो ही धर्म मशहूर ने ठीक है एक कैथलिक एक प्रोटेस्टेंट सिख धर्म चों भी किन्ने धर्म निकल गए हिंदू धर्म चों भी किन्ने धर्म निकल गए जे असी ईसाइयां वांग चले होंगे ईसाइयां ने प्रोटेस्टेंट नूं कैथलिक्स ने माड़ा नहीं कहा अपनियां कमियां ठीक कीतियां लोग दोबारा फिर कैथलिक च आ गए सिख धर्म चों जदों कोई धर्म निकल के जांदा है असी उहनूं टारगेट ना करिए असी अपने च कमियां लभ लईए लोग दोबारा साडे धर्म च आ जाणगे बिकॉज़ एक धर्म जिहड़ा है उह लोकां दी मन दी शांति वास्ते लोगों दिया खुशियां वास्ते लोगों कंफर्टेबल करने वास्ते बनया है ना कि किसी को हरास करने वास्ते तो धर्म कदे माड़ा नहीं गा चाहे कोई हिंदू धर्म का है कहीं कोई सिख धर्म का है कहीं पंथ के विच्चों निकले छोटे छोटे पंथ भी माड़े नहीं पर समस्या ये आ कि जो ये किसी माड़े ठेकेदार के अड़के चढ़ जाते हैं ना फिर ये लोगों का किवें लहू पीते हैं तुसी इमेजिन तक भी नहीं कर सकते ठीक है आ जिहड़े छोटे छोटे सिख धर्म के विच्चों डेरे निकले आ इन्हां चों बहुते तो ठीक ने पर कुछ बदनाम क्यों हो गए वो इस करके बदनाम हो गए क्योंकि ये जो किसी माड़े ठेकेदार के अड़के चढ़ता ना कोई डेरा सारे डेरे माड़े थोड़ा हो सकते हैं किसी धर्म चो जो एक बंदा नवा धर्म कढ़ता है तो जिहड़े नवे बंदे ने नवा धर्म कढ़िया हुंदा कितना इंटलैक्चुअल होगा पर जो उस डेरे नूं उस ग्रुप नूं माड़ा ठेकेदार टक्कर जे जां माड़ा लीडर टक्कर जे तो सारे दे सारे नूं बदनाम कर सकदा इस तरीके नाल कोई भी बदनाम हो सकता है कोई भी धर्म बदनाम हो जाता है कोई भी पंथ बदनाम हो जाता है पंथ का मतलब है धर्म चों निकलन वाला धर्म इस तरीके कैथलिक ते जिहड़े ओह सीगे प्रोटेस्टेंट सीगे ये आपस च बहुत चिर लड़े ईसाइयां दीआं जिहड़ियां 15वीं 16वीं 17वीं सेंचुरी दे विच लड़ाइयां होईआं है ना ये किसी दूजे धर्म नाल थोड़ा होईआं है अज कई वारी यूरोप चों आवाज़ नहीं आ जांदी कि मुसलमान जी बहुत लड़ाके आ अज कई वारी सानू कह दिंदे आ कि पंजाब इंडिया दे विच जिहड़े हिंदू आ जी ये बहुत खतरनाक ने ओए असल च साडे हिंदू होण सिख होण मुसलमान होण साडे ते उंगल चक्कण तो पहलां तुसीं अपना इतिहास खोल के देख लो कि 16वीं 15वीं सेंचुरी च तुसीं की करतूत खंडाई है असीं तां फिर दूजे धर्म नाल लड़दे होवांगे सिखां दा इतिहास खोल के देख लो चलो मुसलमानां नाल लड़ाइयां होईआं हिंदुआं दा इतिहास खोल के देख लो उहनां दीआं मुसलमानां नाल लड़ाइयां होईआं आ तुहाडे वाला टैलेंट तां असीं कदी नहीं देखिआ कि अपने धर्म च ही दो वर्गां च 100 साल लड़े है
कैथलिक ते प्रोटेस्टेंट जिहड़े आ ना आपस दे विच इन्नी कु वार लड़े आ, एक लड़ाई हुई है 30 साल की 16वीं सेंचुरी च, 30 ईयर वॉर इंग्लैंड ते फ्रांस च, एक 100 ईयर वॉर हुई है, कैन यू इमेजिन 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड ते फ्रांस च धर्म के नाते, कैथलिक वर्सिज प्रोटेस्टेंट। ये लड़ाइया कोई छोटिया लड़ाइया नहीं सगिया, इन्ह लड़ाइया के होने का कारण की सगा कि एक धड़ा बड़ा नैरो माइंडेड सी, एक नवा धड़ा ब्रॉड माइंडेड निकल आया खुले ख्याल वाला, तो आपस च खुले ख्याल तो भीड़े ख्याल एक दूजे च ही वजते फिरते ही। मीनस की यार यहोजे खुले ख्यालों का की फायदा, असल च एक बंदा जो ब्रॉड माइंडेड होंदा है ना वो किसी नैरो माइंडेड ना लड़ता नहीं, उन्हें यही कह दिता कि चल यार तू ठीक है, तू ही ठीक है, बिकॉज बई जो तेरा दिमाग खुल गया, तेरा दिमाग तेरे हिसाब नाल रोशन दिमाग हो गया, फिर तू किसी नैरो माइंडेड का गुस्सा किवें कर सकदा है। इहो जी किहड़ी ब्रॉड माइंडनैस आ, इहो जिहा किहड़ा खुल्लापन आ जिहड़ा किसी तंग सोच वाले बंदे वल देख के तुहानूं गुस्सा चढ़ा दे। जे तुहानू किसी वल दे के गुस्सा चढ़ रहा ना, कि तुसीं इह कह रहे हो कि मैनूं उस बंदे ते तां गुस्सा चढ़ रहा क्योंकि वह तंग ख्यालां वाला है, तो इट मीनस जे तुहानू गुस्सा चढ़ रहा है मतलब उहदा ते पता नहीं वो तंग ख्याल वाला हैगा कि नहीं, पर थोड़े ख्याल जरूर तंग ने, बिकॉज ब्रॉड माइंडनैस किसी बंदे का रोशन दिमाग जिहड़ा है ना वो अंदर ही एक खुशी भर दिंदा है कि चल यार की है कुछ भी नहीं गए, ठीक है लीव इट, वो अखीर च आ कहण च माहर हो जाता है। खैर तुसी आ सामने स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हो ट्रिटी ऑफ टॉडलिस, ठीक है इतों तक पहुँचदा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां ने इतों तक पहुँचने वास्ते भी, ठीक है। इस तो पहला एक चीज़ होर बड़ी इंपॉर्टेंट जी मैं दसनी है, केंद्र जी उस तो पहला यूरोप का आ इलाका समझो, आ अफ्रीका है, ठीक है। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कोई इस तरीके नाल होवे कि तुहानू स्टोरी ना समझ आए, सब तो वड्डी गल है कि तुहानू स्टोरी समझ आनी चाहिए है। आ तुहानू समझ आ रहा कि आ अफ्रीका का मैप आ, ठीक है आ समझन की कोशिश करो, इतों शुरू हो जाता है एशिया, आ सारा एशिया है, आ एशिया का जिथे मैं हुण पहुँच गया रशिया वाला पोर्शन, ठीक है इतों एवें है जी एशिया, इतों आ चीज़ आ एवें एशिया है, इधरला हिस्सा यूरोप का है, ठीक है आ नॉर्थ अमरीका, उत्तरी अमरीका, साउथ अमेरिका, समझ रहे हो ना सारा कॉन्सैप्ट। असल च इस इलाके दे विच ब्लॉकेज सीगी, इस इलाके च ब्लॉकेज सीगी, ठीक है इत्थे एक अंपायर सीगा रोमन अंपायर, किहड़ा अंपायर सीगा रोमन अंपायर, तो रोमन अंपायर जिहड़ा सीगा ना आफ्टर द डिकलाइन ऑफ रोमन अंपायर इन 17th सेंचुरी, इत्थे पहला रोमन अंपायर सीगा 7वीं सेंचुरी का मतलब समझ गए 600 समथिंग, उस तो बाद तुसी एक गल दसो इस इलाके च एक धर्म की शुरुआत हुई सीगी, किहड़ा धर्म सी भला इस्लाम, इस्लाम की शुरुआत 622 ईस्वी हुंदी है, तो वह इस्लाम जिहड़ा है इस इलाके दे रोमन अंपायर नू तहस नहस कर दिंदा है। रोमन अंपायर पहला ईसाइयां दा अंपायर सीगा, ठीक है उन्हूं तहस नहस करके इत्थे मुसलमाना दा साम्राज आ जाता है, बिकॉज ये वो समा सीगा जो इस्लाम की शुरुआत हुंदी है, इस्लाम फिर वधदा है फुलदा है ते इस इलाके दे विच एक नवा वंश राज करदा है ओटोमन्स, किहड़े ओटोमन, ओटोमन एक प्रकार का मुस्लिम वंश आ, किहड़ा वंश है जी मुस्लिम वंश आ, तां मुस्लिम वंश जिहड़ा है वह राज करदा है इस इलाके च, ठीक है। तो कहिंदे आ कि जदों इत्थे 7th अंपायर 7वीं सेंचुरी दे विच रोमन्स खत्म हुंदे आ तां इत्थे अरब का राज शुरू हो जाता है, अरब का राज मतलब की हो गया, अरब के राज का मतलब ये हो गया कि इत्थे मुस्लिम्स का राज आ जाता है, मुस्लिम्स अरब के इलाके के लोग वह इत्थे हौली हौली कंसोलीडेट कर देंगे तो इस इलाके ब्लॉकेज कर देंगे, की कर देंगे ब्लॉकेज। तो तुसी आप दसो फिर की इतों इतों तक आने का रूट पॉसीबल है, नहीं तुसी 15वीं सेंचुरी तो पहला नोटिस करोगे कि निकीलो नोटिनी वर्गे कई यूरोपियन इटली दे थिंक जिहड़े वो ट्रैवलर आ वो मध्यकालीन भारत च मेडिवल हिस्टरी च भारत च आए आ फिर आने बंद हो गए। 14वीं 15वीं सेंचुरी तो बाद कोई फॉरन ट्रैवलर कोई विदेशी दूत यूरोप तो भारत क्यों नहीं पहुंचया होगा, इट मीनस राह च आ गई ब्लॉकेज, किन्ना ने लिया ब्लॉकेज ओटोमन्स ने मुस्लिम्स ने, वो कदे भी नहीं चाहते कि एक पासे दे ईसाई साढ़े विचों लंघ के दूजे पासे जाण, इत्थों एक मसले की शुरुआत हो जाती है, फिर इत्थों एक कहानी जिहड़ी है जी वह निकल के बाहर आउंदी है कि हुण इत्थों दे लोकां नूं समुंदर दे विचों राह लभणे पैणगे, ठीक है समुंदर की खोज करनी पेगी, पर जिहड़े देश दे लोकां दी गल कर रहा मैं उत्थे समुंदर नूं लैके भी नास्तिकता सी कि अपनी धरती छड्ड के जे दूजी धरती ते जाए तां अपवित्र हो जाओगे।
समझ गए गल। तो ये मसले भी बड़े गंभीर मसले आ। हुण इन मसलों का भी की इलाज किया जाए। लोगों ने सब तो पहला तर्क के आधार पर गल की कि दसो कितने लिखा है कि एवें होजूगा तो पाप लगेगा। रेनीसेंस का दौर यूरोप के सब तो पहला आया। उदे तो लोगों ने सोचना शुरू किया, तर्कवादी होए लोग। तर्कवादी इंग्लिश कहें रैशनल होना। उस तो बाद जो रैशनल होए लोगों ने गल की, फिर लोगों ने कहा आप एड्डी की धरती से थोड़ा रहेंगे, दूजिया धरतियां लभो, समुद्र तो पार जाके कोई पाप पूप नहीं धरती लभना। फिर आया जोग्राफिकल डिस्कवरीज का दौर। जोग्राफिकल डिस्कवरीज समझ गए की होंगे, भूगोलिक खोजा। फिर भूगोलिक खोजा का दौर आया, तो फिर लोगों ने इतों आपस के सैर कर शुरू की। एक स्पेन का राजा सीगा, स्पेन का, तो एक पुर्तगाल का, दो उस टाइम के अमीर राजे सी। दोवें अपने आप के फुल फ्लैज लालची, लालची नहीं कह सकता, क्रियोसिटी वाले बंदे कि दुनिया असी लभनी है। स्पेन कहता दुनिया असी लभनी है, फ्रांस पुर्तगाल कहता सारी दुनिया असी लभनी है। एक का राजा हैनरी सी, दूजे पास दूजा राजा सी, दोवां च आपस च दुनिया नू लभण नू लैके जंग छिड़ गई। तो जिहड़ी चर्च आप अगे धर्म के नाते लोगों नू लड़ाउंदी फिरदी सी, अज वो तर्क सुधर चुकी है, बिकॉज उहदे च एक नवीं चर्च का जन्म हो गया। कि भला प्रोटेस्टेंट्स की चर्च, पहला कैथलिकां की चर्च होंदी सी, हुण प्रोटेस्टेंटां की चर्च आ गई। चर्च ने विच पै के, चर्च ने विच पै के दोवां च समझौता कराता। चर्च ने विच पै के दोवां च की करवाता, समझौता करवाता। उस समझौते नू इतिहास च की दा नाम दिता जाता है, उन्नू कहा जाता है टॉडेलिसा की संधि, ट्रीटी ऑफ टॉडेलिसा 1494। उत्थे बैठ के यह समझौता होया कि समुद्र दे विच एक काल्पनिक लाइन खिंची जाए, आ वाली। इस काल्पनिक लाइन तो इधर इधर की दुनिया नू डिस्कवर करेगा, खोज करेगा पुर्तगाल, तो इधर की दुनिया की खोज कौन करेगा, स्पेन। इस करके साउथ अमरीका आ इलाका, इतने ज़्यादा खोजा स्पेन ने कीतिया है। इस पासे वाले देश जिहड़े आ ज़्यादा कि लभे है, पुर्तगाल ने। इस तो बाद फिर एक पुर्तगाली वास्को डगामा इतों चलता चलता इतों चलता चलता वह इतने पहुँचे अफरीका के बिल्कुल थले। जदों वह अफरीका के बिल्कुल थले टिप पर पहुँच गया, उन्हें कहा कि लै दुनिया खत्म, इतने उन्होंने बड़ा तगड़ा झखड़ मिले, तो ना ही उन्होंने अगे समझ आ रही थी। फिर उन्हें जदों इतों निकल के पता लग्या कि ओहो वो तो दूजे पासे आ गया दुनिया के, फिर उन्हें इस पॉइंट नूं नाम पता की दिता, केप ऑफ गुड होप। उम्मीद का पॉइंट आया कि उम्मीद का मोड़ आया एक केप ऑफ गुड होप, ये सब तो थलड़ी टिप अफरीका की। उत्थों निकल के वह अगे आया, अगे जाके फिर उन्होंने अगे समुद्र के एक अद्धा इंडियन ट्रैवलर मिले अब्दुल मस्जिद, उन्होंने कहता कि भरावा कितने चलने, कहता इंडिया चलने, कहता लै चल। फिर वो खिचदा धूदा वह इंडिया पहुँचया। जदों इंडिया पहुँचया तो इंडिया के इस इलाके कैलीकट के नेड़े एक वंश का राज सीगा ज़ैमोरिन। केड़ा वंश सीगा, ज़ैमोरिन। उत्थों के राजे नू मिलया पुर्तगाल दे गिफ्ट दिते। इस तरीके नाल पहली बार समुंदर दे थ्रू यूरोप तो इंडिया, पहला भी निकोलो वर्गे बंदे आए हुए हैं पर वो उपर दी आए हैं, हुण पहली बार समुंदर दे थ्रू इंडिया अफरीका नू क्रॉस करके पहुँचने वाला पहला शख्स 1498 ईस्वी दे विच कौन सीगा, वो सी 1498 ईस्वी च, दैट इज वास्को डिगामा। कहानी समझ आ गई इन्नी क। सो आ स्टोरी सारी समझ आनी चाहिए है कि टॉडलस की ट्रिटी किहड़े दो देशों हुई, करवाउण वाला शख्स सीगा पॉप अलैगजेंडर फाइव, ठीक है, ट्रिटी ऑफ टॉडल। तो यह कहानी जी है जी, ये आपां नूं समझ आ गई एक बार। हुण आपां नूं पता लग गया कि पहला रोमन वंश का अंत होया, रोमन वंश के अंत तो बाद, ठीक है, रोमन वंश के अंत तो बाद फिर अगे इतने आ गए ओटोमन्स आ गए। ओटोमन्स मतलब कौन भला, मुस्लिम्स, ठीक है। सो आपां नूं एक कहानी जी है जी वो क्लीयर हो गई, ठीक है। तो हुण 15वीं सेंचुरी च यूरोप दे विच जिहड़ा ओ सीगा, कह लो कि पुर्तगाल दा राजा सी एक हैनरी, ठीक है, तो एक पासे पुर्तगाल, वो अपने आप नूं नैवीगेटर कहिंदा हुंदा सी। की कहिंदा सी, नैवीगेटर। नैवीगेटर वो बंदा जिहदा समुंदरी खोजां च बहुत वो होवे, क्रियोसिटी होवे, जिहनूं इंट्रस्ट होवे। तां आ सारा कुछ लिखिया होया कि संधि होई एक टॉडलिस दी संधि, जिहदे च स्पेन ते पुर्तगाल दे विच धरती नूं वंड दिता गया सीगा, ठीक है। आ कहानी समझ आई गई है। नोट्स थोड़े जिहड़े आ उह PDF दे फॉरमैट दे विच थोड़ी ऐप दे विच लैक्चर दे थल्ले ही पए होणगे, ठीक है। तां इह तां तुसीं सारा स्टोरी समझ ही लई आ, बिकॉज अगे तां तुसीं आप ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी जी आपां बैकग्राउंड चलदे आ थोड़ा जिहा, ठीक है। 1487 च एक पुर्तगाली नैवीगेटर सीगा बारथोमिव दियाज, ठीक है। वह जिहड़ा सीगा वह अफरीका दे सब तो थलड़े पॉइंट केप ऑफ गुड होप दे थल्लों निकल के अगे आया सीगा, पर गल ए सी कि वह बहुता ज़्यादा अगे एक्सप्लोर नहीं कर सकिया।
अगले हिस्से एक्सप्लोर कर जाके किन्ने भला वास्को डा गामा ने जोड़ा 1498 के मई के इंडिया पहुँचा। ठीक है, सो इंडिया के पहुँचने वाला पहला शख्स वास्को डा गामा जोड़ा कैलीकट पहुँचा एक ट्रैवलर की मदद नाल नाम सीगा अब्दुल माजिद जिन्हों राज टकरिया सीगा। ठीक है, तो उत्थे जैमोरिन वंश सीगा जिहड़ा उत्थों दा राजा सीगा जिन्हें उन्हों काफ़ी वेलकम करिया। इस तरीके नाल पुर्तगाली पहली बार तर इंडिया की धरती से 1498 पैर पाउंदे आ। इट मीनस हुण ये वापस जाऊगा जदों इत्थे आया, जदों वो इस जगह पर आया इंडिया पहुँचया हुण उत्थे जाके एक नवीं समस्या सामने आ गई। इत्थे जाके एक नवी समस्या सीगी जिहड़ी वह भी सामने आई है। वो नवी समस्या की है, आ इंडिया का इलाका है, आही पॉइंट है जिन्हों आप वार बार हाईलाइट कर रहे हैं, वह घूम के थल्ले उपर आ गया, ये भी आप हाईलाइट कर रहे हैं। असल दे विच इत्थे पहला ही कुछ लोग अरब तो आके वस चुके सीगे, अरब तो कई व्यापारी पहला ही मिडीवल हिस्टरी इत्थे आए आ जिहड़े अपने आप नूं मोफल्स कहिंदे सी। की कहिंदे सी? मोफल्स। जिन्हां नूं मिडीवल हिस्टरी नहीं याद वो याद करन कि वो अपने आप नूं इहदा मतलब हुंदा जवाई, इस इलाके दे जवाई कहिंदे सी अपने आप नूं। ठीक है, तां इह मोफल्स जिहड़े आ, ठीक आ, इह इस इलाके च वसे, इस इलाके नूं मालाबार दा इलाका कहिंदे आ, MALABAR कोस्ट लाइन, जिन्हां ने जोग्राफी च याद आ कि इस इलाके नूं आपां मारामाल तमिलनाडु वाले पासे नूं कोरामंडल, ठीक आ, उपर गोवा वाले पासे नूं गोवा दे जिहड़ी नेड़े जिहड़ी तट ने कोस्ट लाइन आ उहनूं कोंकण कहिंदे आ, उपर गुजरात की कोस्ट लाइन नूं काठियावाड़ कहिंदे, उड़ीसा के नेड़े जी बंदर समुद्री इलाका है उन्होंने उटकल कहते हैं, उड़ीसा के नेड़े वाले की कहने आप उटकल कहने। तो मैं तो जोग्राफी पढ़ाते हुए यह भी दस्या कि जोड़ा कोस्टल एरिया है यदा वक्रे वक्रे इलाके नाम आ। जे ते कोई केरला घूमन जाए तो कहूगा कि मैं मालाबार कोस्ट से घूम के आया, तमिलनाडु के नेड़े की बंदरगाह घूम के आए तो कहूगा मैं कोरामंडल कोस्ट से घूम के आया, गोवा की बंदरगाह घूम के आऊगा कहूगा मैं कोंकण की बंदरगाह घूम के आया, कोंकण कोस्ट घूम के आया। ठीक है, कोस्ट लाइन उतों वाली। तो जे कोई कहे कि गुजरात तो वह काठियावाड़, ये मैं ना थोड़ा रखे है, ये लोकल नाम ने, लोकल उतों के जोड़े नाम जोड़े ज़्यादा मशहूर ने, फ्रीकुएंटली कोस्ट वास्ते वरते जाते हैं। ठीक है, समुद्री तट वास्ते जोड़े नाम वरते जाते हैं वह यही नाम ने, पल पै गई गल। खैर मीनस कि जो मैं जोग्राफी पढ़ाया होया मैं नाल रिकॉल कराना, ये मालाबार के इलाके बड़े अरब वसे हुए सी, तो तुहानू पता इतों इन्हां अरबा ने लोकल कुड़ियां नाल बहुत मैरिजिज करवाइया तो वह इतों के लोकल मुस्लिम हो गए। कई बार साढ़े दिमाग च आता कि मैं ना 20वीं सदी के 1920 तो बाद गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ाऊँगा, तो मैं ये भी कहूँगा कि उत्थे मोफल्स ने बगावत करती, मुसलमान ने मोफल्स उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करती। तुसी उदो मैनू यह नहीं कह सकते कि यह मोफल किहड़े मुसलमान आ जिहड़े केरला च वस गए, इंडिया दे विच तां सारे मुसलमान मिडीवल हिस्टरी पढ़ के देख लो, मध्यकालीन भारत पढ़ के देख लो, उपरों ही आए आ, अरब वालों इंडिया आए, दिल्ली के नेड़े, दिल्ली तो थले तक, थले वाले मुसलमान किहड़े आ? तो मैं कहूँगा जिहड़े टाइम मुसलमान उपर आ रहे सी ना हमला करन, उन्हां टाइम कुछ मुसलमान किश्तियां दे थ्रू 9वीं-10वीं सेंचुरी थले आके वस गए सीगे, उन्होंने इत्थों दीआं औरतां ना। ते हुण इक गल होर, पहला इत्थे ऑलरेडी मुस्लिम्स आए होण, वह किवें कहणगे कि इत्थे आके कोई पुर्तगाली वस जाए? तो उन्होंने वास्को डा गामा दे ते उहदे होर साथियों दे उन्होंने ये पता होगा कि जिवें असी 500 साल पहला व्यापार करन आए सी, इह वी अज व्यापार के नाम ते इत्थे सैटल ना हो जाण। इस करके इंडिया दे जैमोरिन ने तो उन्होंने स्वागत किया, पर जिहड़े इंडिया च रहण वाले अरब व्यापारी सी ना जिहड़े समुद्र के थ्रू जुड़े हुए सी, उन्होंने वास्को डा गामा दे पैर नहीं लगन देने हुण। ठीक है, इन्हां दियां आपस च काटो कलेश है, जिवें नहीं कुत्तियां दी लड़ाई हुंदी है उवें इन्हां दा आपसी माहौल बनूगा। हुण स्टोरी तो समझ आ गई, तुहानू एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि जे इंडिया दे साउथ च कैलीकट जिहड़ा है वह केरला दा इलाका है, इत्थे आ कैलीकट शहर। ठीक है, तो ये इत्थे उस टाइम किहड़े वंश दा राजा सी? जैमोरिन। ठीक है, स्टोरी समझ आई, उहनू लैके कौन आया सी वह भी समझ आ रहा, क्लीयर है गल। सानू ये समझ आ गया कि असल च इस इलाके च सारा ब्लॉकेज हो गया सी, इनू ना रैड सी कहिंदे आ, दिस इज़ कॉल्ड रैड सी, लाल समुंदर आ रैड सी आ जिहड़ा इत्थे मैं उंगल रखी आ हुण, ये मैडिटेरियन सी है। ठीक है, जे असी इस पिक्चर नू बहुत इनलार्ज करके देखिए ना, बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके, चलो रहन दो, ठीक है, कोई बहुता फायदा तो होना नहीं। ठीक है, जे असी इस पिक्चर नू इनलार्ज करके देखण दी बजाए
थोड़ा जिहा मैप नूं आपां समझण की कोशिश करिए। असी दुनिया च जे थोड़ा जिहा पहला आपां छोटा कर लईए मैप नूं, ठीक है। आ समझो जी मैप, इंडिया दिस रहा ना आवला, ठीक है। यूरोप दिस रहा, इत्थे दिस रहा पुर्त स्पेन, इत्थे दिस रहा पुर्तगाल, आ स्पेन आ पुर्तगाल, ठीक है। हो गया क्लीयर, ठीक है। आ रहा स्पेन, आ रहा पुर्तगाल, ठीक है। हुण इहनूं आपां ए स्पेन ते पुर्तगाल जिहड़ा है ए उपरला की है जी यूरोप, यूरोप दे थले एक समुंदर आ, ते इस समुंदर दा नाम की है मैडिटेरियन सी। उपर यूरोप, थले की है जी अफ्रीका। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्टरी प्रति जा इंडिया की मॉडर्न हिस्टरी प्रति तुहाडी समझ ही नहीं बननी, नहीं तां ये तां बहुत जरूरी है ना। ये हो गया अपने कोल मैडिटेरियन सी। हुण मैडिटेरियन सी तो इधर आ जाओ, इत्थे आ गया अपने कोल यूरोप, अरब साउदी अरब, इत्थों एशिया शुरू हो गया, ठीक है। इत्थों एशिया शुरू हो गया, आ दुनिया की वो सब तो वड्डी लड़ाई की पंड आ जिहनूं आपां इजराइल कहने आ। समुंदर के कंढे ते आ, एक पासे मैडिटेरियन सी आ, आ थलड़े पासे रैड सी आ, ठीक है। आ रैड सी लाल समुंदर, आ जाओ इत्थे आ रहा जी, ठीक है। तो होर नेड़े कर ली छोटा कर दिए तो आ समझो इन्हों इवें, ठीक है। मैडिटेरियन सी जो लाल समुंदर, इत्थे ही ओटोमन्स का राज आ गया सी, जिद करके सारे पंगे पै गए। ओटोमन्स का राज इस इलाके आ गया सीगा, इस करके इंडिया पहुँचने की सारी कहानी खत्म हो गई। इंडिया पहुँचने का मतलब इस जगह पर पहुँचना, ठीक है। उत्थे पहुँचने का सारा किस्सा ही रुल गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट ये आ जाओ भी हूँ अगे, तैनू मैं ये भी पढ़ाया सीगा कि छोटी जी वाटर बॉडी, ठीक है। छोटी जी वाटर बॉडी जिहड़ी आ जिहड़ी दो पानियां नूं जोड़दी होवे, एक पासे आ रैड सी आ, एक पासे आ गल्फ ऑफ एडन आ, इन्हां दोवां नूं आ छोटी जी वाटर बॉडी जोड़दी, इत्थों वाली जुड़ रही है ना। छोटी जी वाटर बॉडी जिहड़ी दो वड्डे पानियां नूं जोड़े, उहनूं इंग्लिश च स्ट्रेट कहिंदे आ। की कहिंदे आपां? स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का नाम पता की है? बबले मनदीप। की नाम आ जी? बबले मनदीप। एक दिन मैं सारिया स्ट्रेट्स पढ़ा देनी है। तुम कहो यार ऐ करो, फिर आ भी दस दो, एक पासे परशियन गल्फ आ, एक पासे गल्फ ऑफ ओमान आ, इन्हां दोवां दे विच भी तां एक छोटी जी वाटर बॉडी हैगी है। ये छोटी जी वाटर बॉडी जिहड़ी इन्हां दोवां नूं जोड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। इहदा की नाम आ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। आ जाओ अगे, सानू किसी ने कहता कि आ इंडिया आ श्रीलंका छोटी जी वाटर बॉडी है जिहड़ी एक पासे अपना गल्फ ऑफ अपने कोल पलक बे आ, एक पासे गल्फ ऑफ मनारा, आ हिस्सा गल्फ ऑफ मनारा आ पलक बे आ, इन्हें दोवों जोड़ती है छोटी जी वाटर बॉडी। तो इस छोटी जी वाटर बॉडी का ना ही दस दो की है, यदा नाम आ पलक स्ट्रेट। की नाम आ जी? पलक स्ट्रेट। हुण अगे आ जाओ, एक पासे सिंगापुर आ, एक पासे मलेशिया, सिंगापुर आ एक पासे इंडोनेशिया है, इन्हें दोवों के इत्थे एक वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। की नाम उहदा? मलक्का स्ट्रेट जां स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आ छोटियां छोटियां वाटर बॉडीज़ भी समझ आ गई, इट मीनस तुहानूं इह गल समझ आ जानी चाहीदी है कि इस जगह पर ब्लॉकेज हो गई सी, इस करके इंडिया आउण दा इक्को ही रूट सीगा कि बई इंडिया इत्थों आया जावे इस पॉइंट नूं छड्ड के। आ जिहड़ा सब तो थलड़ा पॉइंट, दिस इज़ केप ऑफ गुड होप, इत्थों बंदा घूम के इत्थे पहुँचया आ रहा कोची दे नाल आ जी कैलीकट, इत्थे इस इलाके से ज़ैमोरिन्स दा इलाका सीगा। अदरवाइज़ पहलां इत्थे अरब दे बहुत व्यापारी रहिंदे सी। तुसीं कहोगे अरब कित्थे आ ते कित्थों दे व्यापारी रहिंदे सी? आ रहा जी अरब। तुहाडी जानकारी लई इह वी दसदा मैं, पहलां इस जगह ते इत्थों आ के व्यापारी रह रहे सीगे, उन्हां अरब्स दे नाल इन्हां दी बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, ठीक है। तो जे कोई इंडिया दीआं बंदरगाहां बारे जानना चाहुंदा है, इंडिया की आ बंदरगाह का लोकल नाम आ मालाबार, इहदा नाम आ कोंकण, इहदा नाम आ काठियावाड़,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਇਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੱਛ ਦੀ ਗਲਫ ਸੋਰੀ ਕੱਛ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਰਾਮੰਡਲ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਕੋਰਾਮੰਡਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਉਟਕਲ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਟਕਲ ਉਟਕਲ ਕੋਸਟ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਰੈੱਡ ਸੀ ਆ ਰੈੱਡ ਸੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡਾ ਗਾਮਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸਕੋ ਡਾ ਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਚੱਲੀ ਵਾਸਕੋ ਡਾ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਸਕੋ ਡਾ ਗਾਮਾ ਦੇ ਭਾਰਤ 3 ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਦੂਜਾ 1501 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਤੀਜਾ 1522 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਊਗਾ ਨਾ 1522 'ਚ ਉਸ ਗੇੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PSSB ਫੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ PPSC ਕੰਸੈਪਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੋਲਾ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਪੈਡਰੋ ਕਾਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਜੇ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੀ ਟਸਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮਸਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰਹੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਓਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਲੀਕਟ ਕੈਨਾਨੌਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ 1498 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਕੇ ਵਾਸਕੋ ਡਾ ਗਾਮਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਫਾਈਨਲੀ 1505 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਵਧਣ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ 1505 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਕੀਓਸ ਡੀ ਐਲਮੇਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਫਰੈਂਕੀਓਸ ਡੀ ਐਲਮੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕੀਆਸ ਡੀ ਐਲਮੇਡਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
मशहूरी पता किनू मिलेगी। इस तो बाद आए एक गवर्नर एल ब्रुकी नू, असल च तां गा उन्हें पाया, ठीक है। इन्हें का जस्ट इहदा नाम तो बस इसे करके आ कि हाँ 1507 च, ठीक है, इन्हां नू पंजाब दे भारत दे विच जिहड़े उस टाइम दे अरब दे नेड़ियों लोग आए सी उन्होंने भी हराता ते गुजरात ने भी हराता, ठीक है। तो इहदा मतलब ये गल तो क्लीयर आ कि अलमेडा जिहड़ा शुरू च सीगा वह थोड़ा जिहा डिफीट होया, ठीक है। पर अलमेडा ने 1508 दे विच अलमेडा ने इन्हां दोवां नू गुजरात दे जिहड़े गुजराती सी, क्योंकि ये असल दे विच फ्रांस वालां दा इक्को निशाना ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ 1508 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਲਮੈਡਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਪਲਟ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮੈਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਬਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਪੈਸੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੂ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਲੂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਨੇਵਲ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਫਰੈਂਕੀਆਜ਼ ਅਲਮੇਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਪੁਰਤਗੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1498 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਨੀਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਸੀਗੀ, ਧਰਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਨੀਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੈਨੀਸੈਂਸ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ
16वीं सेंचुरी तक डार्क एज च सीगे, हनेर युग च सीगे, वो 400-500 सालां च किन्नी तरक्की कर गए। तो भारत जिहड़ा दूजी तीजी चौथी सेंचुरी च, जदों तुसी मेरे तो गुप्ता काल पढ़ोगे ना, एंशंट हिस्टरी का अंत पढ़ोगे, तो तुसी हैरान हो जाओगे कि इंडिया अज तो 2000 साल पहला 1800 साल पहला इन्ना एडवांस सी। इट मीनस सानू हनेर युग च ले जाया गया। अज कई ना हिंदू लीडर ये गल कहते हैं कि मुगलों के वेले भारत बहुत बैकवर्ड होया है, ठीक है। तो कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये मुगलों नू बदनाम करने की कोशिश है, एवें का कुछ नहीं, ये तो मनना पैना है। मैं भुल जाओ कि मुगल मुसलमान सी, एक गल सच आ कि मुगलों के वेले नुकसान तो होया है, ठीक है। असी अंधकार वल गए हाँ, असी उस टाइम बहुत सोहनिया बिल्डिंगा बनाईया, उन्हां टाइमां च जमीन का कम एग्रीकल्चर का कम भी होया होगा, पर जिन्ना असी साइंस गुप्ता काल वेले सीगे उस पद्धर की साइंस नहीं गी। मैं इनू किसी धर्म विशेष नाल जोड़ के नहीं देख रहा कि मुगल मुसलमान सीगे तां एवें होया, की पता किस शासन काल च असी वापस नू तुर पे होइए। तुर पे तां तुर पे, इहदे च तां कोई गल नहीं ना। मीनस प्रैक्टिकली दसना चाहुंदा मैं कि इस तरीके नाल होया है, ठीक है। बड़े जिवें हुण उस टाइम असी बड़े ऑर्थोडॉक्स सी, जे कोई मैनू पुछे कि भारत दे समें नू देख नेड़े दे समें नू दसो भारत सब तो वध धर्म निरपक्ष कदों सी, सैकूलर कदों सी पंजाब, तां मैं प्राउडली कह सकदा कि उह महाराजा रणजीत सिंह दा टाइम सी जदों भारत पंजाब पूरा सैकूलर सी, जदों धर्म निरपक्ष सी। जिस बंदे नाल जिहड़ी विशेषता जुड़ी हुई है उस विशेषता नू उहदे नाल जोड़ के उहदे नाल खा उहदे तों अट नहीं कीता जा सकदा, चाहे उहदे नाल जुड़ी हुई कोई चंगी चीज़ है ते चाहे उहदे नाल कोई जुड़ी हुई माड़ी चीज़ है। जे रणजीत सिंह दे दरबार च कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज रहियां उहदे समें च, उहदे समें समकाली उहदे समें च पंजाब ने कुछ नुकसान झल्लिया, वो आपां रणजीत सिंह वेले वी डिस्कस किया है, पर इहदा मतलब यह थोड़ा कि रणजीत सिंह दे नाल जो अछाइयां सी उहनां नू डिनाई कर दिता जाए। प्रैक्टिकली सानू पता है कि मुगलों वेले जो आर्किटेक्चर जो आर्ट लिटरेचर बनया वो कितने भी नहीं सी, पर मुगलों वेले जो साइंस का नाश वजिया वो भी कितने नहीं है। अंधकार के युग च सानू मुगलों के वेले आए अंधविश्वासों ने लैके गए है, ये कोई दो राय नहीं, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जे असी गल करिए पुराने गुप्तास के वेले हिंदू रूलर से जो साडे देश च, उन्होंने बहुत ज़्यादा एटोक्रेसी चलाई है, धक्केशाही की है, पर उन्होंने वेले जो साइंस का युग हाल सीगा ते जो उस टाइम भारत की इकोनमी का हाल सी जिनी पीक तो उसू भी खारज नहीं किया जा सकता। किसी भी समय में पढ़ो तो उतों के लोगों की स्थिति जरूर पता हो सू हो उस समय, ठीक है। इतों तक की स्टोरी मैं उम्मीद करना कि तुम सारियां चंगी तरह समझ आ जानी चाहिए है। इस तो बाद एक गल याद रखियो, मैं बिल्कुल कॉन्टैम्परेरी चल के ज समकाली चल के ही थोनू पढ़ाऊँगा। तुसी ये समझो कि फ्रेंकियास एलमीडा गया तो फ्रेंकियास एलमीडा की जगह पर अगला गवर्नर आ गया एलब्रुकी, जिन्हों मैं मन के चलना कि सब तो मशहूर गवर्नर आ जी। एलब्रुकी सब तो मशहूर गवर्नर आ उस समय का, उस समय का पुर्तगालिया का सब तो मशहूर गवर्नर भारत च कौन आया? एलब्रुकी। हुण आ जाओ एक कल्पना च, ये तुहानू पता ये 1510 का टाइम, इंडिया की कौन सी हिस्टरी है भला हजे मध्यकालीन भारत। जदों मैं तुहानू ये कहना कि मैं भारत की मिडीवल हिस्टरी पढ़ानी है ज पढ़ाई हुई है, तो मैं अक्सर ये गल कहना कि मिडीवल हिस्टरी 8वीं सेंचुरी तो शुरू होंदी है, अरब के भारत के हमले 11वीं-12वीं सेंचुरी च आके भारत च कुतुबुद्दीन ऐबक हुणी आ जाते हैं, 1200 तो लैके 1500 तक 1526 तक। कैन यू इमेजिन भारत च मुगल कदों आते हैं? 1526 जो बाबर पहला हमला करता पानीपत की लड़ाई च इब्राहिम लोधी नूं हरा दिंदा है। तुसी सोच के देखो हजे भारत च मुगलों का समा भी शुरू नहीं होया, इधर ही रंग बनी बैठे आ, यह 1510 आ, 16 साल पहला भारत च पुर्तगाली आ गए आ। कैन यू इमेजिन कि भारत दे विच मुगलों के आने तो पहला साउथ इंडिया च पुर्तगालिया की एंट्री हो गई है। एक पासे साउथ इंडिया च मॉडर्न हिस्टरी की शुरुआत हो रही है, तो उपरला भारत हजे कि हिस्टरी च तुरै फिरता है? मिडीवल हिस्टरी च। तो 1526 च 1510 च जिन्हों इस गल का पता है कि 1300 समथिंग च जो भारत के दिल्ली सल्तनत सी, 1300 समथिंग जो भारत च दिल्ली सल्तनत सी, तो भारत के दिल्ली सल्तनत एक तुगलकों का राज सीगा, तुगलक्स का। तुगलकों के एक बड़ा ग्रेट तुगलक होया जिन्हों नलैक भी कहा जाता, तो इंटैलीजेंट भी कहा जाता, मुहम्मद बिन तुगलक। 1325 तो लैके 1350 तक उस बंदे का समा रहा है मुहम्मद बिन तुगलक का। मैं मुहम्मद बिन तुगलक बारे बड़िया गल्लां दसियां है, तो मैं यह भी दसिया कि जो मुहम्मद बिन तुगलक नॉर्थ इंडिया च भारत का राजा सी ना दिल्ली च, 1325 तो लैके 1350 तक, उस टाइम साउथ इंडिया दे विच दो वंश पैदा हो गए सीगे, एक विजयनगर अंपायर अज दे कर्नाटकाश,
अज के करनाटका इलाके अज का करनाटका का इलाका आ जाओ भी वह भी देख ही लीए हूँ ठीक है। अज का करनाटका का इलाका हाँ जी इस इलाके आ जड़ा इलाका सी इस विजयनगर अंपायर इस इलाके विजयनगर अंपायर तो इस तो थोड़ी जी उपर जो आ इलाका है आ गुजरात तो थलड़ा वाला आ वाला इलाका इतने बाहमणी अंपायर केड़ा अंपायर भला बाहमणी बाहमणी अंपायर थोड़ी जी उपर तो थले के भला विजयनगर एक कदों बन गए भले 1350 के राउंड बस इसक मन के दो कोई कह दो 1336 कोई कुछ इन्ने ज्ञान की आपां नूं लोड़ नहीं बहुती ठीक है। बस आपां नूं तो यह पता कि हाँ इस राउंड से बन गए ये जिहड़े बाहमणी अंपायर तो ये विजयनगर अंपायर बने हैं उस टाइम भारत च बन गए तो तुसीं सोच के देखो कि 1510 तक इन्हां अंपायरस का की बनया होगा कैन यू इमेजिन जिहड़ा बाहमणी अंपायर है ना जिहड़ा 1350 के अराउंड बन गया सीगा हसन गंगू द्वारा शुरू किया गया अंपायर सीगा बाहमणी अंपायर 1510 तक तो खिंड भी गया सी की हो गया सी ये खिंड गया सीगा जदों ये अंपायर खिंड गया ना बाहमणी अंपायर ये छोटे छोटे हिस्से टुट गए एक हिस्सा टुट गया अज का हैदराबाद जिन्हों गोलकुंडा कहा जाता है एक अज का हिस्सा है अहमदनगर वो अज के महाराष्ट्र च एक हिस्सा ये टुटिया सी अज के करनाटका च बीजापुर केड़ा जी बीजापुर बाहमणी अंपायर के पांच सुल्तान टुटे है बई बाहमणी अंपायर चो किन्ने सुल्तान टुटे है पांच बीजापुर अहमदनगर ठीक है बराड़ बिदर आपां पंजे याद करके हजे की करना मडीवल हिस्टरी च पढ़िया होया है तो जा पढ़ लांगे ये जिहड़े पांच वंश टुटे है ना बराड़ हो गया बिदर हो गया गोलकुंडा हो गया अहमदनगर हो गया तो एक मैं हुण किहड़ा दस्सिया सीगा पांच ठीक है जिहड़े पांच टुटे है ठीक है एक अपना बीजापुर ठीक है पांच बाहमणी अंपायर पांच वंशां च टुट गया मेरी गल समझ गए इन्हां पंजां वंशां चों एक वंश सीगा बीजापुर दा ये बाहमणी वाले आपस च नहीं रह सके इकट्ठे तो पंजां च थिड़क गए उन्हां चों एक किहड़ा सीगा बीजापुर जिहड़ा बीजापुर दा राजा सी अदिल शाह वैसे तो पंजां दे वक्खो वक्खरे राजे सीगे पर जिहड़ा बीजापुर दा राजा सी ओह किहड़ा सीगा अदिल शाह उस बेचारे नूं एक होर पंगा पै गया वो बिल्कुल समुद्र के कंडे ते सी बीजापुर का इलाका तो उत्थे बाहर की एक ताकत इंडिया च आ चुकी सी ओह किहड़ी बाहरी ताकत इंडिया आई सीगी पुर्तगी इहदा मतलब पुर्तगाली जदों बाहरों आए उस टाइम भारत अजे मडीवल हिस्टरी चल रही सी उस टाइम भारत के जिहड़ा बाहमणी वंश सी ओह अगे 100 सालों बाद बनिया तो 1350 के दौर च वह अगे जाके पांच वंशां च टुट गया उन्हां चों एक वंश का राज सी ओह अज दे करनाटका के बीजापुर च होया उस वंश का नाम सी अदिल शाही वंश किहड़ा अदिल शाही वंश तो उत्थों का राजा अदिल शाह जिहड़ा सीगा उहदा पंगा पै गया किन्हां नाल पुर्तगालिया नाल ते पुर्तगाली कहिंदे सी सानू तेरा आ बंदरगाह चाहिए है गोवा सानू कहिंदे गोवा चाहिए है वह कहिंदा गोवा बीजापुर के अंडर आउंदा है गोवा तुहानू मिलना नहीं 1510 चो ही लड़ाई पेपर च यह सवाल आउंदा हुंदा है कि 1510 च किस वंश के राजे तो एलबरूकी ने गोवा खोया सीगा तो किस तो खोया सीगा बीजापुर के इलाके तो बीजापुर के राजे तो नाम की सीगा अदिल शाह की नाम सीगा अदिल शाह सो आ स्टोरी समझ आ गई इट मीनस मैं तुहानू सब तो पहला स्टोरी समझाती कि जदों एलबरूकी पुर्तगालिया का गवर्नर बनया उन्हें 1510 दे विच सुल्तान ऑफ बीजापुर ये बीजापुर बिदर बराड़ गोलकुंडा तो अहमदनगर एक किस वंश चो टुट के बने आ बाहमणी चो तो बाहमणी वंश मैं एंशियंट च पढ़ाना है कि मडीवल च कि मॉडर्न च मडीवल च यदा मीनस जो मैं मडीवल हिस्टरी पढ़ाऊंगा तो एक चैप्टर पढ़ाया होगा पक्का मैं जहाँ पढ़ाना होगा चैप्टर का नाम आ विजयनगर एंड बाहमणी अंपायर उस मैं जो पढ़ाता तो तुम उदो अपने कन्न खोल के रखने कि इतने मैं किसी बीजानगर बारे पढ़ाया है इट मीनस जे मैं पढ़ाया तो यदा मतलब उही बीजानगर आ जिहड़े बीजानगर के नाल मॉडर्न हिस्टरी की शुरुआत के पहले लैक्चर च किहदी लड़ाई होनी है भला एलबरूकी की तो एलबरूकी ने जिहड़ा कि पुर्तगालिया का गवर्नर आ उन्हें बीजापुर के राजे तो किहड़ा राज इलाका खोना है गोवा खोना है तुसीं ये कहोगे कि इन्नी स्लो क्यों इहदी वजह एक मॉडर्न हिस्टरी की एक खासियत आ कि इहदे पहले 3 तो 4 लैक्चर बहुत स्लो चलते हैं उस तो बाद मैं कहोगे कि होली चली है तो मैं होली चलना नहीं बिकॉज उस तो बाद कहानी खत्म आ शुरू च पता की है लड़िया ही इन जोड़निया पै जाए बिकॉज मडीवल हिस्टरी का जोड़ा क्लिप आनू मॉडर्न हिस्टरी फिट करना ही अपने आप एक चैलेंज आ जो तुम चाड़ी कले मॉडर्न की पट्टी दे गए उस तो बाद फिर अगे राम कहानियाँ कि पहला 1850 आ होया 55 च आ होया 1860 च आ होया फिर तो कुछ भी नहीं इतने वार वार अड़िके बनते अड़िके क्लीयर करने आप ठीक है सो ये कहानी
ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲਬਰੂਕੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਬਰੂਕੀ ਨੇ ਮਲੱਕਾ ਤੱਕ, ਮਲੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਮਲੱਕਾ, ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਥੱਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਹ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਮਲੱਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਆ ਰਹੀ ਮਲੱਕਾ ਸਟੇਟ, ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਥੱਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਲੱਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਲਬਰੂਕੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਐਲਬਰੂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਲਬਰੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ, ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ 1529 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? 1600 'ਚ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? 1502 'ਚ, 1501 ਜਾਂ 1502 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ, 1498 'ਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ 1602 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਰੋਪ 'ਚੋਂ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ 1929-30 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਲੀਕਟ। ਉਹ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਕੈਲੀਕਟ। ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਚੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਗੋਆ ਤੱਕ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ PSSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੱਕ, ਕਿ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਹੂ ਸ਼ਿਫਟਡ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਕੋਚਿਨ ਟੂ ਗੋਆ। ਕੋਚਿਨ ਟੂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਨ, ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਹ ਇਲਾਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦਿਊ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਗੋਆ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਆ ਕੋਚੀ, ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਲੀਕਟ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਆ। ਨੀਨੋ ਕੂਨਾ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲ 1534। ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ? 1534, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਮੁਗਲ, ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? 1526 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ 1526 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ। 1526 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1530 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਰ। 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ। 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਤੱਕ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਮਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤਾਂ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਹਮਾਯੂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1540 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 1540 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਾਅ 'ਚ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ 5-5 ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰਾਜਾ ਸੀ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ।
बहादुर शाह नाम के कई होर राजे भी अगे आने हैं, पर किसी नाल कन्फ्यूज़ ना कर लियो। एक बहादुर शाह 1707 च भी आना है, गुरु गोबिंद सिंह जी का समकाली। एक बहादुर शाह 1857 के विद्रोह च भी आना है, पर यह बहादुर शाह थोड़ा है, यह कोई होर बहादुर शाह है। ये गुजरात का लोकल राजा है, ये हुमायूं दे वेले सी। ते तुहानूं पता 1530 तो लैके 1540 का टाइम, इस टाइम नॉर्थ इंडिया च उपर कौन है भला? मुगल भी हजे हुणे हुणे आए आ, ते इधरों पुर्तगाली भी भारत चल रहे आ। इट मीनस जे कोई मैनू कहे कि यार मॉडर्न हिस्टरी चल रही है कि मिडीवल हिस्टरी चल रही है, फ्रेम ऑफ रैफरेंस आ, देखण दा नज़रिया है। अंग्रेजों के नज़रिए तो देखांगे तो मॉडर्न हिस्टरी की शुरुआत आ। जदों यही गल मैं मुगलों के वेले तो पढ़ूंगा तो यह कि हिस्टरी होगी भला? मिडीवल। सो मिडीवल हिस्टरी तो मॉडर्न हिस्टरी के मैं कित्थे लैन खिंचा, मध्यकालीन भारत तो आधुनिक भारत में मैं कित्थे लैन खिंचा, ये एक दो चित्ती है, तो दो चित्ती ही रहनी है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया बहुत डीपली, बिकॉज मॉडर्न हिस्टरी बाकी दोवे हिस्टरिया तो पता क्यों अड्डा, यहोजी किताब यहोजी हिस्टरी आ। वैसे भी PSSSB वाले कहता है, असी हिस्टरी लिखा हुआ उन्होंने ना सिलेबस, उन्होंने सिलेबस खोल के देखियो, तो PPSC तो अपने पेपरों से कही चुकी है पहले ही, PCS जोड़े भी पेपर PPSC पाँदी है कि हिस्टरी विद स्पैशल रैफरेंस टू मॉडर्न, मीनस हिस्टरी ओ जो मॉडर्न का पार्ट आ। पर मतलब यह तो है नहीं कि आप एंशियंट मटीरियल पढ़नी नहीं, पर यह एक मतलब यह भी आ कि मॉडर्न तो बहुत बरीकी पढ़नी पैंती है, तो बहुत डीपली हिस्टरी का बहुत वड्डा कॉम्पोनेंट ही आ हुंदी है, असी इनू इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो जे तुसी इहदे चों कह दो कि चीज़ां स्किप करांगे फिर छड्ड दांगे, हुण की होया जिहड़ा बहादुर शाह सी उह गुजरात का राजा सी, ते गुजरात तो थले महाराष्ट्र है, गुजरात महाराष्ट्र तक का कब्जा सी उहदा पूरा। उन्हां टाइमां च बॉम्बे बॉम्बे नाम का कोई शहर नहीं सी हुंदा, बॉम्बे सिर्फ एक उह हुंदा सी टापू, बॉम्बे अपने आप च एक जस्ट आईलैंड हुंदा सीगा। ते ठीक आ, तां होया कि पुर्तगालियां ने बसीन की संधि की, बसीन एक इलाका हुंदा सीगा। तुसीं कहोगे ये बसीन केड़ा इलाका है, अज जिस बसीन जिन्हों बसीन कहिंदे आ ना, अज उहदे ते बॉम्बे शहर वसिया होया है। पल्ले पै गई गल, अज उस टापू ते केड़ा शहर वसिया होया है? बॉम्बे। तो इन्होंने बसीन की संधि की, बहादुर शाह तो बसीन लै लिया। वजह पता की सी, ए पुर्तगाली निशाना पता कि ला रहे थे समुद्र के नेड़े दे शहर से, बिकॉज समुद्र दियां लहरां ते जे कब्जा करना ना तो समुद्र के नेड़े दे शहर बहुत वधिया चाहिए तुहानूं। तो इन्होंने बसीन उहदे नाल संधि करके खरीद लिया। ठीक है, वजह उन्हां टाइमां च बहादुर शाह जिहड़ा सीगा उह पुर्तगालीआं नाल सिंघ क्यों नहीं सी फसाउणा चाहुंदा, क्यों नहीं सी लड़ना चाहुंदा, क्योंकि उहदी लड़ाई उस टाइम दिल्ली दे एक मुगल राजे नाल चल रही सी। किहड़े नाल भला? हुमायूं नाल। ते हुमायूं जिहड़ा सीगा उहदा बहादुर शाह नाल रौला सीगा, इस करके पिछों कौन दाल आ गया? शेर शाह सूरी। तो मिडीवल हिस्टरी पढ़ाऊँगा मैं, पर एक गल दसो, बहादुर शाह का मुगल राजे हुमायूं नाल रौला चल रहा सीगा इस करके, ठीक है। पर बहादुर शाह जिहड़ा सीगा बाद च इहनूं पुर्तगालियां ने मार मोर दिता, हुमायूं नूं सुख का सह मिलिया। पर जदों नूं हुमायूं वापस गया कि चलो शुक्र है एक पास्यो टेंशन निबड़ी, दूजे पास्यो शेर शाह सूरी इन्ना ताकतवर सीगा कि उन्हें कनौज की लड़ाई च कहानी भी पलटती, किहदी भला? बहादुर शाह जा उहदी सॉरी हुमायूं दी। ते भारत च मुगलों का वंश 1540 ही खत्म करता। हुमायूं ऐसा भज्जिया इंडिया चों कि 15 साल बाद मुड़ के आया, तो फिर दोबारा आके मुगलों का राज 1555 दोबारा फिर रीकैप्चर किया उन्हें भारत, तो मुगल दोबारा भारत च आए। खैर आ कहानी तो समझ आ गई, ठीक है। इत्थों तक की जिहड़ी स्टोरी है ना, जिहड़ी इस पॉइंट तक की स्टोरी है, ये पुर्तगालियां की स्टोरी का एक हिस्सा है। अगे एक तरीक आ गई कि भला 1612, तो एक शब्द आ गया की भला? ब्रिटिश। इट मीनस ब्रिटिश भारत च आ चुके हैं, ठीक है। ये अपने अगले लैक्चर का पार्ट होगा, ठीक है। अज वास्ते इन्ना ही बहुत है।